आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग दो हिस्सों में बटी हुई है और फर्स्ट पोर्शन है कोडिंग डिकोडिंग का जिसमें हम ये जो क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करेंगे जैसे व्हाट इज़ द कोड फॉर हिम व्हाट डज बी स्टैंड फॉर सो जैसे अगर हमें हिम का कोड निकालना है तो हमें आ, एक स्टेटमेंट दी गई है जिस जिसमें लिखा हुआ है जैसे इन ए सर्टन कोड फॉर प्रॉफिट ऑर्डर नाव इज रिटन एस एच ओ जे ए वाई ई जी ए इसी तरह सेकेंड लाइन uh, है राइट नाव फॉर हिम इज रिटन एस जी ए वी ई जे एस ई इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ लाइन के बारे में uh, की कोडिंग दी गई है सो वाट इज़ अ कोड फॉर हिम सो हमें हिम का कोड फाइंड आउट करना है सो so, ये हम कैसे कर सकते हैं uh, हम ये चेक करेंगे कि हिम जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ पर कॉमन है सो so, जैसे अगर हम हम देखें इस पूरी लाइन के आ, में राइट नाउ फॉर हिम सो so, राइट यहाँ पे भी अवेलेबल है और नाउ दो जगह पे अवेलेबल है दो प्लेसेस पे फॉर भी इस यहाँ पे भी है फर्स्ट लाइन में भी है और थर्ड लाइन में भी है नाउ और फॉर ये दोनों हमें फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट लाइन में, में भी मिल रहे हैं और सेकंड लाइन में भी मिल रहे हैं सो इसमें अगर देखा जाए तो जी ए और जे ए सो so, ये दोनों अवेलेबल हैं सो इसका मतलब ये जो कोडिंग है इनकी फॉर की और नाउ की ये होगी जी ए एंड जे ए सो so, हिम का कोड जो हो सकता है वो वी ई -E हो सकता है और एस ई -E हो सकता है लेकिन अगर हम चेक करें यहाँ पे राइट right है और लास्ट जो लाइन है उसमें भी हमें राइट right, uh, मिल गया तो यहाँ पे एस ई -E और वी ई -E में से वी ई अवेलेबल है So, इसका मतलब हमें कंफर्म हो जाता है कि जो राइट right का आंसर है वो है वीई -E, और जो हिम का आंसर है तो वो हो जाएगा फिर एसई सो -E. so, जो हमारा आंसर होगा फोर्थ या फिर हम इसे यहां लिखते हैं सो द आंसर इज फोर्थ नेक्स्ट है वट डज बी आई स्टैंड फॉर सो बी आई का मतलब क्या है सो बी आई किस के लिए यूज किया गया है सो बी आई थर्ड स्टेटमेंट में है और इसमें जो वर्ड्स हैं वो है प्रॉफिट ऑर्डर फॉर सॉरी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट सो प्रॉफिट ऑर्डर फॉर सो प्रॉफिट ऑर्डर फॉर ये तीनों वर्ड्स हैं जो ये इसमें अवेलेबल हैं तो अगर हम इनकी कोडिंग चेक करें सो जी ए इसमें भी है जे uh, JA ए इसमें भी है इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है सो फॉर 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 सो इसका मतलब फॉर का मतलब जी ए हो सकता है क्योंकि फॉर यहाँ पे भी है सो so तीन जगह पे फॉर अवेलेबल है तो जी ए इज फॉर फॉर ऑर्डर का जो आंसर है दैट मींस फिर वो हो जाएगा ऑर्डर एंड ऑर्डर इज आल्सो अवेलेबल हियर जी ए एच ओ एंड वाई ई भी अवेलेबल है वाई so, लेकिन यहां पर भी है और ऑर्डर यहां भी अवेलेबल है सो वाई इज द आंसर फॉर ऑर्डर सो ऑर्डर का जो आंसर है वो है वाई ई इसका मतलब जी ए हो गया वाई ई हो गया सो एच ओ जो आंसर होगा वो होगा प्रॉफिट का सो so, अब ऑर्डर ठीक है यह भी कंफर्म हो चुका था वाई ई ऑर्डर वॉज वाई सो जो आंसर है प्लेस वो होगा बी बिकॉज ऑर्डर का है वाई ई फॉर का है जी ए सो आंसर प्रॉफिट का है एच ओ क्योंकि कॉमन है और वर्ड यहां पर भी कॉमन है सो बी आई क्योंकि प्लेस एक ऐसा वर्ड है जो कहीं पे भी कॉमन नहीं है तो जो बी आई आंसर है जो बी आई इसका कोड है वो भी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स जो आंसर है बी आई दैट इज प्लेस थर्ड नेक्स्ट है एफ ओ वीई डी यू कुड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ओ वीई डी यू वीई हमने सॉल्व किया था वी ई इज यूज फॉर राइट सो राइट इसमें है अवेलेबल इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी है राइट अवेलेबल इसमें भी नहीं है सो हमारे जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों में से हमारा कौन सा आंसर हो सकता है हम बाकी चेक करेंगे सो so, राइट हमें अवेलेबल है उसके बाद हमने चेक uh, किया एफ ओ डी हमारे पास अवेलेबल नहीं है सो एफ ओ एक न्यू वर्ड हो सकता है एंड द नेक्स्ट इज डी यू डी यू जो आंसर है सो वाई ई हो चुका है वाई ई इज आंसर फॉर ऑर्डर एंड वी ई इज आंसर फॉर राइट सो ओनली और इन ये कहीं पे भी कॉमन भी नहीं है सो ओनली और इन जो है इसके दो ऑप्शन बन सकते हैं सो so अगर हमें डी यू का आंसर पूछा गया है सो so ओनली भी हो सकता है इन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे इन अवेलेबल है यहाँ पे भी इन अवेलेबल है ठीक है सो आंसर इन आ जाएगा जो थर्ड एफ का आंसर है वो स्पिरिट भी हो सकता है और प्लेस भी हो सकता है लेकिन हमने जब सॉल्व किया था हमें प्लेस ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है और प्लेस का आंसर बी आई था सो so, लेकिन यहाँ पे बी आई, so, आई तो अवेलेबल नहीं है सो so प्लेस ये आंसर नहीं हो सकता सो so आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट आई होप ये आपको समझ आया है अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो so आप इसको दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द कोड फॉर प्रॉफिट सो प्रॉफिट का कोड क्या है सो so, प्रॉफिट हमने सॉल्व किया था आंसर इज एच ओ आंसर इज फिफ्थ

सो जी ए और जे ए ये दोनों अवेलेबल होने चाहिए लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो जैसे पहले जी ए हो फिर जे ए हो जे ए आगे हो सकता है जी ए पीछे हो सकता है और ओनली का आंसर डी ओ और जेड ओ में से कोई भी एक पॉसिबल है सो सब तो सबसे पहले हम जी ए एंड जे ए चेक करेंगे जे ए यहाँ पर है जी ए नहीं है जी ए है जे ए नहीं है जी ए जे ए दोनों अवेलेबल हैं जी ए है जे ए नहीं है इसमें जी ए नहीं है सो so, एक ही ऑप्शन है जहां पे जी ए और जेड जे ए दोनों अवेलेबल हैं और जो ओनली का आंसर है वो जेड ओ कंफर्म हो जाता है सो so, हमारा आंसर जो होगा वो होगा थ्री वट इज द कोड फॉर ऑर्डर सो ऑर्डर का क्या कोड है सो so, ऑर्डर का हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं आंसर इज वाई सो आंसर इज फर्स्ट आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन ए सर्टन कोड हर आइडिया हैज मैरिट इज रिटन एज एफ ओ एल ए बी यू एन ए मैरिट लिस्ट हैज़ बिन डिस्प्लेड इज रिटन एज दिस ने मैरिट लिस्ट इज रिटन एज दिस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वट डज के ई स्टैंड फॉर सो हमें के ई -E का आंसर आइडेंटिफाई करना है सो के ई वर्ड यहाँ पे कहीं और पे कामन नहीं है सो so, हम चेक करेंगे कि इसमें इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कॉमन नहीं है जैसे मैरिट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है लिस्ट uh, भी है यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे भी है हैज़ uh, भी है यहाँ पर पे, यहाँ पे है हैज़ बीन एंड डिस्प्लेड है यहाँ पे डिस्प्लेड है यहाँ पे बीन एक ऐसा वर्ड uh, है यहाँ पे जो कहीं पे भी कॉमन नहीं है और के ई भी ऐसा ही वर्ड था जहाँ जो कहीं पे कॉमन नहीं है सो so, के ई जो आंसर है उसका आंसर आ जाएगा बीन सो आंसर इज़ वन आई होप आपको ये क्लियर हो गया सो so नेक्स्ट है वट इज द कोड फॉर आइडिया आइडिया का कोड क्या है सो आइडिया इज ए हेयर सो हैज भी कॉमन था मैरिट भी कॉमन था हर कॉमन uh, है बिल्कुल हर भी कॉमन है लेकिन आइडिया कहीं पे भी कॉमन नहीं है सो so हम यहाँ पे उसका जो इनका कोड है इन चारों में से हम चेक करेंगे जो कॉमन ना हो जैसे एफ ओ कॉमन नहीं है एल ए कॉमन है बी यू कॉमन है एन ए कॉमन है सो so, इसका मतलब जो आंसर है आइडिया का वो होगा फर्स्ट आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है एफ ओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नेम हैज बीन डिस्प्लेड सो हमें ये चेक करना है नेम हैज बीन डिस्प्लेड का कोड इनमें से क्या हो सकता है सो नेम डिस्प्लेड देयर है हर Uh, has been अगर हम मैरिट लिस्ट का आंसर फाइंड आउट कर लें जैसे इसमें भी मैरिट लिस्ट है इसमें भी मैरिट लिस्ट हैम इन मैरिट सो मैरिट लिस्ट हम यहाँ पे अगर कॉमन चेक करें सो एन ए कॉमन है वर्ड के ई भी कॉमन है सो दैट मीन्स जो आंसर है मेरिट लिस्ट का वो एन ए और के ई -E है इसका मतलब हैज़ बीन डिस्प्लेट का जो आंसर है वो है जे ओ एल एस आई इसमें से किस किस का कोड हैज़ है किसका कोड बीन है और डिस्प्लेट का क्या कौन सा कोड है ये हमें कंफर्म नहीं है लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि जे ओ एल ए एंड बी आई जो कोड्स हैं वो इन तीनों के ही कोड्स हैं लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है ये कि कौन सा कोड किसका है सो एल एज का हो सकता है जियो डिस्प्लेट का हो सकता है किसी का भी हो सकता है नेम अगर आइडेंटिफाई uh, करना हो सो so, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे जे ओ एल ए बी आई जे ओ नहीं है अवेलेबल जे ओ एल ए बी आई ऑप्शन नहीं है जे ओ यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं है जे ओ सो इट वॉज जे ओ एल ए एस आई सॉरी ओ एल ए एस आई जे ओ यहां पर नहीं था जे ओ एल एस आई यहाँ पे है जे ओ एल ए नहीं है जे ओ ही नहीं है जे ओ एल एस आई एल ए नहीं है ओके okay. जे ओ एल ए एस आई यहां पे है वाई ए जो ऑप्शन है वो नेम का हो सकता है बिल्कुल बिकॉज नेम और इन दोनों ही अवेलेबल नहीं है सो so उनमें से मे बी वाई ए और जी ओ कोई भी आंसर हो सकता है लेकिन हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं सो so, हमारे पास जो आंसर जो बचा है वो एक ही है एंड दैट इज सेकेंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डज जेड ओ स्टैंड फॉर जेड ओ का मीनिंग क्या है सो जेड ओ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है जेड ओ uh, लेकिन जेड ओ हमारे पास और कहीं भी नहीं है सो जेड ओ हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो so, यहाँ पे हर कॉमन था डिस्प्लेड भी कॉमन था देयर और नेम नेम यहाँ पे कॉमन है दैट मीन्स देयर एक ऐसा वर्ड है जो कहीं पे भी कॉमन नहीं है इन पूरे वर्ड्स uh, में और जेड ओ भी एक ऐसा वर्ड है जो कहीं पे भी कॉमन नहीं है सो जेड ओ का जो आंसर होगा होगा देर देर सो जेड ओ है देर आंसर इज फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हर नेम इज देय सो हर नेम देअर हमारे पास है अगर हम डिस्प्लेट कैलकुलेट कर ले यहाँ पे क्या वर्ड है उसका तो हम यहाँ से उसको इलिमिनेट करके हर नेम देर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर नेम देअ सो हर नेम देअर सो जो कॉमन है यहाँ पर हर भी नहीं है नेम भी नहीं है लेकिन देर भी नहीं है डिस्प्लेट कॉमन है सो so, इनमें से जो कॉमन वर्ड है वो है एस आई सो एस आई जो वर्ड है वो कॉमन है सो दैट मीन्स अगर हम इस, इसका मतलब ये एस आई आंसर डिस्प्लेट का है सो so, बाकी जो वर्ड्स हैं वाई ए बी यू जेड ओ सो वाई ए बी यू जेड ओ ये जो वर्ड्स हैं ये हर नेम uh, देअर के हैं इस एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सो दैट मीन्स इसका जो कोड होगा वो कोई न्यू वर्ड हो सकता है कोई न्यू कोड हो सकता है सो so, लेकिन सबसे पहले हम चेक करेंगे वाई ए बी यू जेड ओ वाई ए बी यू अवेलेबल नहीं है वाई ए बी यू जेड ओ सो इसमें अवेलेबल है और जी ओ एक नया वर्ड है नहीं सो जी ओ एक नया वर्ड नहीं है वाई ए बी यू जेड ओ ठीक है के ई -E, बिल्कुल ये भी कोई नया वर्ड अवेलेबल नहीं है वाई ए बी यू जेड ओ डब्ल्यू ओ एक नया वर्ड है सो ये चांसेस होने के वाई ए बी यू ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ओके सो बाकी सारे ऑप्शंस कैंसिल हो रहे हैं वाई ए बी यू जेड ओ जो कंफर्म है वो सेकेंड आंसर फोर्थ आंसर में है और जो डब्ल्यू ओ है वो इसका एक नया आंसर हो सकता है सो दैट मीन्स इसमें जो हमारा आंसर है वो है फोर्थ आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया वट इज द कोड फॉर इन इनके लिए कोड क्या है सो मेरिट लिस्ट और नेम हम मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई कर पाए थे क्योंकि मेरिट लिस्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे था एन ए के ई एन ए के ई सो नेम जैसे ये कॉमन है वाई ए सो मोस्ट लाइकली नेम का जो आंसर होगा वो होगा वाई ए इन कहीं पे भी कॉमन नहीं है सो so इनका आंसर यहाँ पे भी कॉमन नहीं होना चाहिए सो so वाई ए भी नहीं है सो आंसर इज जी ओ बिकॉज जी ओ कहाँ कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है सो so आंसर इनका जो होगा वो होगा जी ओ सो आंसर इज थर्ड स so, क्वेश्चन के आंसर है वन वन टू वन फोर थ्री आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है आई uh, सजेस्ट अगर आपको फर्दर क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो आप पी डी एफ कोडिंग और डिकोडिंग के पी डी एफ जो फर्स्ट लेसन uh, है उसको फॉलो करें और फर्दर uh, क्वेश्चन को ट्राई करें क्वेश्चन नंबर थर्ड मोर मनी इन मार्केट इज रिटर्न एज दिस शेयर इन मार्केट प्रॉफिट making more profit now is written as this now the market gains okay so we have the coding for uh, these uh, sentences so agar hum check kare which of the following does vo stand for vo ka code kya hai so, अगर आप चाहें तो आप इन uh, अलग अलग वर्ड्स का separate कोड भी निकाल सकते हैं जैसे अगर मुझे more का आंसर check uh, करना है तो more यहाँ पे भी available है और यहाँ पे भी available है और बाकी किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है सो मनी इन और मार्केट सो so और कोई वर्ड कॉमन नहीं है सो so अगर मैं अगर फर्स्ट और थर्ड में कोड्स चेक करूँ तो जेड ओ एक वर्ड है जो आ, दोनों में कॉमन है सो so मुझे ये क्लियर हो जाएगा जो मोर का आंसर है वो है जेड ओ सिमिलरली मनी जो वर्ड है आ, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है सो so लेकिन जो मार्केट वर्ड है मार्केट मार्केट एंड मार्केट सो तीन प्लेसेस पे अवेलेबल है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में हम चेक करेंगे कौन सा वर्ड कॉमन है दैट इज एल आई सो हमें ये भी क्लियर हो जाता है मार्केट जो का जो आंसर है वो है एल आई मोर का था जेड ओ सो नेक्स्ट मनी कहीं पे कॉमन नहीं था इन डेफिनेटली कॉमन है फर्स्ट एंड सेकेंड में फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर हम कॉमन चेक करें टी ओ जे ई एल आई था लेकिन एल आई नीचे भी था सो टी ओ जो आंसर है वो हमें क्लियर हो जाएगा कि जो इनका कोड uh, uh, दिया गया है सो मनी ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाएगा डबल ए इज द आंसर सो नेक्स्ट शेयर और प्रॉफिट में से प्रॉफिट डेफिनेटली हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट सेकेंड एम थर्ड में और अगर हम चेक करें तो जे ई एक वर्ड है जो कॉमन है इनमें सो so, जे ई जो आंसर है वो है प्रॉफिट शेयर uh, का हमें बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा सो आंसर होगा वी ओ इसी तरह नाओ Uh, इसमें कॉमन है द कॉमन नहीं है मार्केट हो चुका था गेन भी कॉमन नहीं है सो so नाव का अगर हमें आंसर फाइंड आउट करना हो तो जो कॉमन वर्ड है इनमें सो दैट इज़ एस यू सो नाव का जो आंसर है वो है एस यू इसमें भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एस यू मेकिंग का जो आंसर है वो के ए कम्प्लीट हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ड है और यहाँ पे भी एक ही वर्ड है जो कॉम बचा है सो so ये कॉमन हो जा uh, सो so ये कॉमनैलिटी के बेस पे हम फाइंड uh, आउट कर लेंगे सो नाव वी आर लेफ्ट विद द एंड गेंस द एंड गेंस ये कहीं पे भी कॉमन नहीं है सो इनके हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे वन इज डी ओ एंड सेकेंड इज वाई ओ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डी ओ आंसर दा का है और गेन वाई ओ का है सो so ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं डी ओ आंसर वाई ओ भी हो सकता है द आंसर वाई ओ भी हो सकता है और गेंस डी ओ भी हो सकता है अगर हमें ये पहले सॉल्व कर लिए हैं पहले सॉल्व करने के बाद फिर भी हम इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज वी ओ स्टैंड फॉर सो वी ओ जैसे हम Already solve कर चुके हैं answer is share. So, हमारा जो होगा होगा वो होगा third. I hope आपको ये clear है कोड फॉर गेंस गेंस का कोड अभी दो ऑप्शन है क्योंकि गेंस हमें कंफर्म नहीं था तो डी ओ और वाई ओ दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कोई सिंगल हम आंसर नहीं दे पाएंगे आंसर so फिफ्थ ही हम टिक कर सकते हैं आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं विच आर द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर द मोर यू शेयर द मोर यू शेयर हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से कोड हैं द का कोड हमारे पास नहीं है दो ऑप्शन हैं मोर का है हमारे पास जेड ओ यू आई गेस एक नया वर्ड है यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है सो so एक ये न्यू वर्ड न्यू कोड यहाँ पे चेक करेंगे हम शेयर का हमारे पास था वी ओ सो so, ये कंफर्म हो गए दा का जो ऑप्शन है वो डी ओ और वाई ओ में से कोई एक हम यहाँ पे लिखेंगे सो so, डी ओ और वाई ओ दोनों तो इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि हम आ, दोनों तभी हो सकते हैं अगर दा और गेंस दोनों अवेलेबल हो लेकिन सो so, ये तो पॉसिबल नहीं है डी ओ ओके okay, जेड ओ वी ओ जेड ओ वी ओ ओके okay, डब्ल्यू आई एक नया वर्ड है बिल्कुल है सो so, ये क्वालिफाई करता है सो so, जेड ओ वी ओ जेड ओ वी ओ डब्ल्यू आई भी है लेकिन बी यू नो डी ओर और वाई ओ में से कोई एक अवेलेबल होना चाहिए था गलत है सो जेड ओ वी ओ जेड ओ ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जेड ओ वी ओ है डी ओ वी अवेलेबल है और एस यू एक्चुअली एक्स यू एस यू हमारे पास ऑलरेडी था सो आई थिंक एस यू जो आंसर है इट वॉज नॉट एस ई इट वॉज एस यू सो ये नाव का था सो so, इसलिए ये नाव तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है सो so, ये गलत हो जाता है सो so, हम हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज सेकेंड सेकेंड ही मैच कर रहा है बाकी सब जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो चुके हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सो फिफ्थ क्वेश्चन है टी ओ के एल आई ए एज कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सो टी ओ टी ओ वॉज इन सो हमारे पास इन होना चाहिए के ए वॉज मेकिंग सो हमारे पास मेकिंग भी होना चाहिए ली एल आई वॉज मार्केट हमारे पास मार्केट होना चाहिए एंड लास्ट वॉज ए ए दैर वॉज मनी सो हमारे पास ये चारों uh, जो वर्ड्स uh, है वो अवेलेबल होना चाहिए सो मेकिंग मार्केट मनी इन मेकिंग नहीं है मेकिंग नहीं है मेकिंग मार्केट मनी इन सो फिफ्थ ऑप्शन जो है वहाँ पर हमारे पास सारे वर्ड्स अवेलेबल हैं ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता ठीक है सो so हमारा जो आंसर होगा वो होगा फिफ्थ सो so ये आपके आंसर्स हैं पाँच थ्री वन फाइव टू फाइव आई होप ये आप क्वेश्चन uh, आपको क्लियर हो गया हो, हो होगा सो so आप ऐसा भी कर सकते हैं uh, कि आप पहले इन सब के आंसर्स को सॉल्व कर लें इनमें कॉमन चेक करके और उसके बाद अपने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लें बट uh, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पहले जो क्वेश्चन है uh, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन को चेक करें और डायरेक्टली उनमें से कॉमन के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें सो so, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वही मेथड को चूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया था हम पहले इसके आंसर्स को चेक कर लेंगे कौन से हैं देन हम उसको फर्दर सारे क्वेश्चंस को वन वन एक एक करके सॉल्व करेंगे सो इट इज रश आर ट्रैफिक सो ओके सो हम सारे आंसर को चेक करते हैं इनमें से कॉमन क्या है सो so, सबसे ज्यादा कॉमन इट इज इज हमारे पास पे भी है यहां भी है रश आर पे पे है है ट्रैफिक यहां पे भी है यहां पे भी है सो इज और ट्रैफिक यहां पे दोनों अवेलेबल हैं अगर हम यहां पे चेक करें जी ए आर यू डी ओ डी ओ आर यू दोनों अवेलेबल हैं सो so, इसका मतलब जो फाइन का आंसर है वो डेफिनेटली क्या होगा जी सो आर ओ यू और डी ओ ट्रैफिक और इसके लिए कंफर्म हो जाते हैं ट्रैफिक इस और कहीं पे नहीं है सो so, इसका मतलब हम ट्रैफिक और इसका डेफिनेट आंसर नहीं बता पाएंगे लेकिन हमें ये जरूर कंफर्म हो जाता है कि इनके लिए ये दोनों ही ऑप्शन हैं। अगर ट्रैफिक का आंसर डी ओ होगा तो इसका आंसर आर यू हो जाएगा एंड वाइसा वर्सा सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे आर आर हमारे पास कॉमन था फर्स्ट एंड थर्ड में Uh, uh, इसमें जो कॉमन है वो है एम आई सो एम आई इस वर्ड जो कॉमन है यहाँ पे सो दैट इज एम आई सो ये आर का आंसर हो जाएगा रश एंड इट रश बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट एंड फोर्थ में सो so, इसमें जो कॉमन है एल ई एस ए सो एस ए कॉमन है सो रश इज एस ए सो रश एस ए कन्फर्म हो जाएगा और एट जो है जो हमारे पास बचा, बचा है दैट इज़ एल ई दैट इज आंसर फॉर एट सो नेक्स्ट गो टू स्कूल सो गो टू हमारे पास दोनों यहाँ पे हैं टू हमारे पास फोर्थ uh, लाइन में भी है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लाइन में तीनों में कॉमन चेक करते हैं एफ आई नहीं है पी ए पी ए यहाँ पे नहीं है बी ई बी ई बी यस बी ई तीनों में कॉमन है सो दैट इज द कोड फॉर टू सो so वन जो है वो बच गया है दैट इज एफ आई हमारा कन्फर्म हो जाता है गो uh, जो है अगेन सो पी एन एन ओ ओके सो गो ओके इन दोनों में कॉमन था पी ए सो डेफिनेटली आंसर जो है वो पी ए हो जाएगा गो का स्कूल इज लेफ्ट विद नो सो यहाँ पे नो no आंसर आ जाएगा स्कूल का वन जो बचा था वो था एफ आई सो ये हमारा आंसर हो गया वन का वन uh, यहाँ पे भी था डेफिनेटली एफ आई सो वी आर डन विद ऑल द सेक्शन सो हम हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आर यू बी ई डब्ल्यू ए आर यू आर यू बी ई दैट इज टू डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए हमारे पास आई थिंक अवेलेबल नहीं है डब्ल्यू ए जो है वो एक न्यू किसी वर्ड का कोड हो सकता है सो आर यू जो है सो आर यू जो था हमारे पास दो ऑप्शन थे बिकॉज आर यू और डी ओ ये ट्रैफिक भी हो सकता है एज भी हो सकता है इसका आंसर ट्रैफिक भी हो सकता है और एज भी हो सकता है सो so ये कन्फर्म नहीं है इसके भी दो ऑप्शन हैं ट्रैफिक और एज दोनों तो नहीं हो सकते इनमें से कोई एक होगा सो so जैसे इसमें इज इस है लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक है टू भी अवेलेबल है टू तो डेफिनेटली होना चाहिए आ, और वे दैट इज द न्यू वर्ड डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए से वे बी सो uh, so ये न्यू वर्ड हो जाएगा इसमें दोनों में अवेलेबल है सो इसमें इज टू वे टू वे ट्रैफिक सो इज भी हो सकता है ट्रैफिक भी हो सकता है टू और वे दोनों भी अवेलेबल है वे uh, इज ट्राफिक वे इज ट्रैफिक इज और ट्रैफिक दोनों तो अवेलेबल नहीं हो सकते सो so इन दोनों में से इज और ट्रैफिक दोनों तो नहीं होने चाहिए दोनों में से कोई एक होना चाहिए बिकॉज आर यू है डी यू तो नहीं है सो so ट्रैफिक और इसमें से कोई एक आंसर हो सकता है सो so, uh, इसमें हम आंसर टिक करेंगे फिफ्थ हम एक्चुअली डिटॉमिन नहीं कर सकते इनमें से कौन सा आंसर है बिकॉज जो वे uh, ये न्यू का आंसर हो जाएगा बी का आंसर uh, जो है आर uh, यू का आंसर मे बी इस भी हो सकता है ट्रैफिक भी हो सकता है क्योंकि बी का आंसर तो टू है लेकिन आर यू जो है उसका आंसर इस भी हो सकता है ट्रैफिक भी हो सकता है सो so वे आंसर इज कैन नॉट बी डिटॉमिन वट इज द कोड फॉर स्कूल स्कूल के लिए क्या कोड था आंसर इज एन ओ जो यहां पे अवेलेबल नहीं है अगेन आंसर जो होगा वो होगा फाइव नन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द कोड फॉर फाइन फाइन का क्या कोड है सो फाइन हियर अवेलेबल जी ए, दैट इज दर आंसर फर्स्ट व्हिच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्कूल आर गो फाइन स्कूल गो सो नो पा N O P A, R was me, M I. Fine was G A. So N O M I P A G A. Uh, so P A G A N O was not is not available. N O P A G A is not available. Uh, N O P A G A M I. This one is correct. So okay. So we'll go with third. So answer is third.

हमारे पास आई थिंक अवेलेबल नहीं है ये कोई नया वर्ड हो सकता है फॉर सो so, हम कन्फर्म करेंगे डी यू आर यू सो डी यू आर डी ओ सॉरी नॉट डी यू डी ओ आर यू डी ओ आर यू डी ओ अवेलेबल नहीं है डी ओ आर यू डी ओ आर यू सो देन एफ आई एम आई एफ आई एम आई इज़ ये हेयर एफ आई एम आई इज़ ऑल्सो हेयर एफ आई एम आई इज़ ऑल्सो हेयर So the last word is L E Y E S O. L E is available. So L E is not the answer. Because 4, so 4, answer. So F So uh, L E is not the answer. Y E is not available, I guess. So this can be the answer. S O. S O is also not available. So this can also be the answer. So I think we can't solve. this question here so third and fourth both can be answered so we'll uh, we'll tick fifth most of the time there will not be none of these there should be cannot be de determined i think uh, this has been written mistakenly ye galat se likha gaya hai yahan pe so this will be cannot be determined so हम डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे because वाई ई एंड एस ओ बाकी सारे कन्फर्म होते हैं चारों लेकिन वाई ई -E और एस ओ वाई ई भी हमारे पास नहीं है और एस ओ भी हमारे पास नहीं है सो so, दोनों ही एक नए वर्ड हैं सो so, वन के लिए जो ऑप्शन हो सकते हैं सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटार्मिन फिफ्थ वॉट डस डी ओ स्टैंड फॉर डी ओ का आंसर क्या है सो डी ओ हमारे पास था डी ओ इट कैन बी बिकॉज डी ओ दो ऑप्शन थे आर यू डी ओ इन ट्रैफिक एंड एस सो एज और ट्रैफिक दोनों ही कोई भी एक एक आंसर हो सकता है इसका सो आंसर इज सेकेंड सो ये हमारे आंसर्स थे फाइव फाइव वन थ्री फाइव टू सो आई थिंक हमने सारे आंसर्स को लिखा नहीं थ्री फोर ओके सो वन टू थ्री फोर आई थिंक दिस शुड बी फाइव सिक्स सो दीज आर द आंसर्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया